हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक रॉकेट जो शुगर रॉकेट है और नॉर्मल मटेरियल से बनती है, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, जो इजीली आपको कहाँ पे फर्टिलाइजर शॉप या फिर कहीं भी सीड्स जहाँ मिलते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रेस जहाँ मिलते हैं वहाँ पर आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा। और आपको शुगर तो नॉर्मली आपकी किराना स्टोर कहीं भी मिल जाएगी। एक क्वांटिटी है, उस ये मेजरमेंट के हिसाब से आप लोग को फ्यूल बनाना है। किसका? रॉकेट का फ्यूल बनाना है। रॉकेट फ्यूल के लिए 60% एक अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, 60% पोटेशियम नाइट्रेट, 60% पोटेशियम नाइट्रेट और जो है सो 40% शुगर, दोनों का मिक्सचर बना लें। दोनों का मिक्सचर कैसे बनाएं? अलग अलग शुगर जो है सो अलग पीस ले, ग्राइंड कर ले, और पोटेशियम नाइट्रेट अलग ग्राइंड कर ले। दोनों को कंबाइन करके ग्राइंड मत करें, क्योंकि थोड़ा भी स्पार्क हो गया, इंसिडेंटली स्पार्क हो गया तो उसमें फायर आ सकती है, इसलिए आप लोग अलग अलग ग्राइंड कर लिए। मैंने यहाँ पे ग्राइंड करके रखा है और उसमें थोड़ा सा अमाउंट से 10% उसमें चारकोल मिला लिया है। चारकोल यानी कोयला रहता है ना, वो चारकोल उसमें मैं मिला लिया, क्योंकि एक इफेक्ट आने चाहिए, उस बारूद होता है ना, उस टाइप का इफेक्ट आने के लिए मैंने उसके अंदर चारकोल मिक्स कर लिया है। सो आप देख सकते हैं कि ये इसमें है बॉक्स में, लिटिल अमाउंट मैं आपको दिखाऊंगा। आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और शुगर और अपने चारकोल का मिक्सचर है। हाँ ओके, ये अपने रॉकेट फ्यूल है। ओके चल गाइस, देखते हैं कि ये फ्यूल अच्छा जल रहा है या नहीं है, और कैसा फ्यूज एक्सप्लोज हो रहा है नहीं है देखते हैं। ये वाला तो नहीं है, अच्छी तरह से देखते हैं कि ये कैसा जलेगा। आवाज़ चल रही, बोलना मुझे। आप देख सकते हैं कि ये फ्यूल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ये मिट्टी ली है, नॉर्मल सी मिट्टी है, उसको मैंने रेड कलर की मिट्टी है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में क्लिप्स। और आपको चाहिए एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक, ये कंस्ट्रक्शन के टाइम इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं ना उसमें यूज़ होते हैं। ये 60 रुपीज़ में पूरी लंबी स्टिक आती है, वो 20 फीट की। आप नॉर्मल से इसे नॉर्मल ले लें, 20 फीट की आती है, पर आप ये नॉर्मल ले लें, ले लेकर इसको 5 इंचेस स्केल से मेजर कर कट कर लें, एक्सा ब्लेड से कट कर लें। मैंने इसे 5 कट कर लिए हैं एज ए सैम्पल फॉर यू ऑल, एज यू कैन सी। और ये नॉर्मल सी लकड़ी है, इसके अंदर ये लकड़ी ऐसे मेजरमेंट की लेंगे कि ये राउंडली अच्छी तरह से जाएं। आप जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये अच्छी तरह से जाएं, और हमें थोड़ी सी मार्किंग करनी होगी इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस हमें मार्किंग कैसी करनी होगी। थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पर हमारा अमाउंट हो गया सैंड का, जो हमने ग्राइंड किया था, इतना सा अमाउंट सैंड का होगा इसके अंदर, और इतना सा अमाउंट हमारे रॉकेट फ्यूल का होगा जो पोटेशियम नाइट्रेट और उसके मिक्सचर का है, और इतना सा अमाउंट भी अपने सैंड का होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बीच में जो है सो अपना रॉकेट फ्यूल होगा। ओके ओके एवरीवन, सी यहाँ पे एक नॉर्मल क्लियर सरफेस ले लें, क्योंकि हमें क्लियर सरफेस चाहिए, नीचे लेयर बनानी होगी इसलिए। अब स्पून से के अंदर पोर कर लें सैंड को, जो हमने पीसा था सैंड, लिटिल अमाउंट पोर कर ले। पोर करने के बाद ये इसके अंदर डाल लें, डालकर इसे अच्छी तरह से ठोकें। जैसा कि आप देखा है, अब क्लियर सरफेस लेने की वजह से ये सॉफ्ट आएगा, अच्छी तरह से आएगा और मजबूत आएगा। और अपनी अकॉर्डिंग टू द मार्किंग, एज यू कैन सी हमारी मार्किंग यहाँ पर है, और इतने इतने लेयर जो है सो उसके होंगे, मार्किंग से थोड़ा ज़्यादा है ये, तो ऐसा राउंड फिरा लें, राउंड फिरा कर ऐसा एक्सेस जो है, एक्स्ट्रा जो है निकालें। एक्स्ट्रा जो है सो निकाल लें, निकाल कर फिर ठोकें अच्छी तरह से। ये अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छी तरह से स्ट्रांग हो गया है। अब हमें डालना होगा अपना पाउडर फ्यूल, रॉकेट फ्यूल जो है, रॉकेट फ्यूल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से और ठोकें।
परफेक्ट। और थोड़ा डालें क्योंकि हमारी मार्किंग से ये कम है, और डालें। फुली करेंगे थोड़ा और डालना पड़ेगा। अब और ठोके अभी परफेक्ट है। अब इसके अंदर हमें और की एक लेयर बनानी हुई, किसकी? सैंड की, क्योंकि हमें प्रॉपर फ्यूल चाहिए, प्रॉपर लेयर चाहिए सैंड की। अब हमें अब इसमें सैंड डालनी होगी थोड़ी अमाउंट में। तो एक्सेस हो गया होगा अकॉर्डिंग टू मार्किंग, इट इज़ परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। अब इसमें अमाउंट, थोड़ा अमाउंट सैंड डाल रहे हैं हम। आप हैमर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आज अब मैं नहीं लाया था हैमर, इस वजह से मैं स्टोन यूज़ कर रहा हूँ। ओके परफेक्ट, निकाल लें। इसके अंदर अब हमें ड्रिल करना होगा, ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट इतनी साइज की होनी चाहिए। हमारी ड्रिल बिट इतना ड्रिल करें कि ये फ्यूल के अंदर तक जाए, कहाँ या फ्यूल के अंदर तक। इसको हैंड से ही ड्रिल करें, ड्रिल मशीन से ड्रिल मत करें, क्योंकि एक्सीडेंटली कुछ ये स्पार्क होकर बर्न हो सकता है, इसलिए हाथ से ही ड्रिल करें। इसे स्लोली स्लोली ड्रिल करें, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी रोटेट करें, और जितना भी ये आता जाएगा उसको अच्छी तरह से निकाल लेते जाएँ। और ड्रिल करें, हैंड से ही ड्रिल करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर कर फिर निकाल दिया, ये जितना एक्सेस आएगा निकाल लें। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने पूरा ड्रिल कर लिया है ये, और हैंड से ही ड्रिल हुआ है पूरा, पूरा अच्छी डीपली अंदर चलेगा ये फ्यूल, जहाँ पर है वहाँ पर चलेगा है। अब हमें इग्नाइटर, इसके अंदर इग्नाइटर इंसर्ट करना होगा। आप लोग देख सकते हैं आई बटन पर आएगा, मैं वहाँ पर आपको वीडियो डाल दूँगा कि इग्नाइटर कैसे बनाते हैं, जो नॉर्मली चीज़ों को इग्नाइट करता है वो इग्नाइटर होम मेड मटेरियल से, होम यूज मटेरियल से कैसे बना सकते हैं। स्टेबलाइजेशन के लिए ये नॉर्मल सी इसी लकड़ी ले लें, हमने पतंग के बीच में आती है ना लकड़ी, वो ले लिए उसको, और ये लगा लें, क्योंकि अगर स्टेबलाइजेशन ये नहीं लगाए तो रॉकेट हमारी टेढ़ी जाएगी, प्रॉपरली नहीं जाएगी, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से लगा ले रहे हैं बीच में। यहाँ पर भी टेप लगा लें। तरह से लगा लिया, हमने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हमारी रॉकेट उड़ने के लिए तैयार है। ये इग्नाइटर है और हम लोग इसके अंदर इग्नाइटर इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसको इंसर्ट कर ले, नॉर्मल जहाँ तक अपना फ्यूल है वहाँ तक जाना चाहिए इग्नाइटर। ताकि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको बॉटल के अंदर लगा दिया है, और हमारी रॉकेट ये वायर है, इसके अंदर इग्नाइटर, जैसा कि आपने देखा था इग्नाइटर लगा दिया है हमने, और इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया है हमारी बाइक से, हमने बाइक से इसको कनेक्ट कर लिया है। और हमने एक बीच में यहाँ पे स्विच दिया है, एक फील आने के लिए, रॉकेट जब इग्नाइट करेंगे एक फील आने के लिए हमने इसको एक फ्यूज़ दिया है यहाँ पे। तो चलिए रॉकेट लॉन्च करते हैं, देखते हैं क्या होता है। Awesome! As you can see, this was a awesome one. Chalwan! Guys, देख सकते हैं कि आप कितनी दूर गई है ये रॉकेट। 2-3 Guys, देख सकते हैं कि आप कितनी दूर गई है ये रॉकेट। देख सकते हैं वहाँ धुआं है, देखिए, और रॉकेट तो इतनी रफ्तार से गई है।
शिट वहाँ जली थी यार वो। वीडियो कैसी थी? अच्छी थी, लाइक करना। अगर और ऐसे वीडियोस देखना है सब्सक्राइब करना। अच्छी ना दिखी डिसलाइक कर दो और कमेंट बॉक्स भर दो। फिल द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस।